असम राज्य के भीतर लचित बोरफुकन की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति स्थापित है। वहां पर हर कोई उनसे प्रेरणा लेता है, लेकिन यह कहानी ऐसी है जिससे हर हिंदुस्तानी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने अकेले ही मुगलों की सेना से लोहा लिया, आखिरकार उन्हें शिकस्त दे दी। औरंगजेब का सेनापति हार कर भी यह कहकर गया कि उसने ऐसा योद्धा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मुगल शासक औरंगजेब ने अहोम साम्राज्य पर विजय के लिए 21 सामंत, 32,000 पैदल सैनिक, 18,000 तुर्क घुड़सवार और 15,000 तीरंदाजों को भेजा, लेकिन इसके बावजूद लचित बोरफुकन के आगे मुगल सेना की एक न चली। साल 1671 में लचित बोरफुकन के अचानक हमले की रणनीति से मुगल सेना को भयानक नुकसान पहुंचा। ये तो लचित बोरफुकन की बहादुरी की संक्षेप में कही गई कहानी है, जिसमें उनकी वीरता का इस छोटी सी नाव से गहरा रिश्ता है, जो दिल्ली में उनकी 400वीं जन्म जयंती कार्यक्रम में दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री में खास तौर से दिखाई दी। भारत वर्ष के अमर शूरवीरों में एक दास्तान, एक अमर विरासत। सरायघाट के युद्ध में शुरुआती सफलता मुगल सेना को मिलती देख अहोम सेना पीछे हटने लगी। तभी बीमार लचित बोरफुकन एक छोटी सी नाव में खुद युद्ध में उतर गए और उनकी ललकार सुनकर जोश से भरे अहोम सैनिकों ने पूरी हिम्मत से लड़ते हुए मुगल सेना को उल्टे पैर दौड़ने पर मजबूर कर दिया। वहीं पर बनाए हुए हथियार और छोटी नाव को लेकर लड़ाई को लड़ा गया। बहुत असमानता थी, संख्या की दृष्टि से असमानता थी, युद्ध की जानकारी की दृष्टि से असमानता थी, मगर जहां तक राष्ट्रभक्ति का सवाल था, लचित बोरफुकन के पास जो राष्ट्रभक्ति थी, उनकी सेना के पास जो राष्ट्रभक्ति थी, उसका कतरा भी मुगल की सेना में नहीं था। और राष्ट्रभक्ति का विजय हुआ, देशभक्ति का विजय हुआ और उन्होंने वो युद्ध को जीता, अहोम राज्य की संप्रभुता, संस्कृति और सभ्यता को बचाया। अहोम सेना और लचित बोरफुकन की बहादुरी से औरंगजेब का आक्रमण मंत्री राजा राम सिंह इतना प्रभावित हुआ कि उसने खुलकर लचित बोरफुकन की तारीफ की। राम सिंह ने कहा, एक ही सेनापति पूरी सेना का नियंत्रण करता है। हर आसामी सैनिक नाव चलाने में, तीरंदाजी में, खाइयां खोदने और बंदूक और तोप चलाने में माहिर है। मैंने भारत के किसी भी हिस्से में इस तरह की हरफन मौला फौज नहीं देखी है। मैं जंग के मैदान खुद शामिल रहते हुए भी उनकी एक भी कमजोरी नहीं पकड़ पाया। इसके बाद मुगलों ने कई बार अहोम सेना पर हमला किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और असम मुगलों का गुलाम होने से बच गया। इसकी सबसे बड़ी वजह थे लचित बोरफुकन। लेकिन ये महान योद्धा देश भर में उतना जाना पहचाना नाम नहीं है। असम के मुख्यमंत्री इसकी वजह बताते हुए कहते हैं, हमारा भारत खाली औरंगजेब का कहानी नहीं है, हमारा भारत खाली बाबर का कहानी नहीं है, हमारा भारत खाली जहांगीर हुमायूं का कहानी नहीं है, हमारा भारत लचित बोरफुकन का है, हमारा भारत छत्रपति शिवाजी का है, हमारा भारत गुरु गोविंद सिंह का है, हमारा भारत दुर्गादास राठौर का है। गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहासकारों से भारत के इतिहास को फिर से लिखने के लिए कहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए इतिहास को ठीक करके रहेगी। हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से लिखने में अब हमें कौन रोकता है, कौन रोकता है? ये 30 साम्राज्य और 300 विभूतियों के जीवन पर आप लोग R&D करिए, आप लोग रिसर्च करिए, इन पर लिखिए और नए इतिहास की शुरुआत करिए। नया इतिहास आएगा, जो असत्य है वो अपने आप चला जाए। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने इतिहास को फिर से लिखने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट के तहत भारत का इतिहास फिर से लिखा जाएगा। इसका मकसद है पहले जो भी झूठ बताया गया है उसे खत्म करना और फैक्ट के साथ इतिहास लिखना। ICHR की तरफ से एक काम शुरू हो गया है। इसके पहले हिस्से को मार्च 2023 में जारी कर दिया जाएगा। 100 से ज्यादा इतिहासकार इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ये राज नहीं आ रहा और वो सरकार को इतिहास से छेड़छाड़ न करने की हिदायत दे रहा है। इतिहास तथ्यों पे चलता है, तथ्य के इंटरप्रिटेशन में फर्क हो सकता है, लेकिन तथ्य तो नहीं बदल सकते ना। तमाम वैसे लोग जिन्होंने इतिहास को के तथ्य को बदल करके बदलने की कोशिश की, उन्होंने अपना भविष्य खराब किया।
अहोम सेना का साहस शिखर छू लेता है। बीजेपी कहती है कि जिस देश की जनता को अपने इतिहास पर गौरव का बोध ना हो वो सुनहरा भविष्य कभी नहीं बना सकती। वहीं विपक्ष इतिहास में किसी तरह के बदलाव के खिलाफ है। इस तरह इतिहास पर पहले से चला आ रहा टकराव आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकता है। आज तक ब्यूरो अचूक रणनीतिक सबके प्रिय बोलकर जनता के चहेते कल और आज भी ब्रह्मपुत्र के शूरवीर लासित बोलकर।